तो सर अभी अपन जिस फार्म पे है तो इस फार्म का एक बार इंट्रोडक्शन दे दे और ओनर का नाम बता दे। ये भी ये जो फार्म है इसका नाम है ताज स्टेट फार्म। ताज स्टेट फार्म, ये अपने एक दोस्त हैं इब्राहिम भाई करके, उनका फार्म है। उनके पास 4-5 गुड़ियां हैं। क्या तो एक्चुअली क्या वो अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे फार्म से 1.5 किलोमीटर दूर पे उन्होंने यहाँ जगह लेके ये फार्म बनाया है। ओके। क्या तो 2-4 इसमें इनके पास 5-7 जानवर है, मगर उसमें 2-3 जानवर अपने दिए हुए हैं। अच्छे हैं। मतलब अपन ने खुद ने सेल किया, सेल किया दोस्त है। इसलिए ये बच्ची क्या हुआ, मैंने खरीदी थी मारवाड़ से। अबलक है ना? अबलक है ये। सिरोही के पास एक मंडार गांव है, वहाँ एक चौधरी था, उनके वहाँ से मैंने खरीदी हुई है। ये बच्ची एक्चुअली उनके वहाँ भी पैदा नहीं हुई थी, ये पैदा हुई थी वहाँ से कोई 10-20 किलोमीटर दूर गाँव होगा वहाँ। तो हम जब लेके आए थे ये 2 दांत कर रही थी। अच्छा। और अभी 2 दांत करे हुए इसको 4-5 महीने हो गए, और इसको अपन ने बजरंग से क्रॉस करा रखा है। ये जो ताज स्टेट फार्म है ये बड़ी गांव के पास में उदयपुर में। अच्छा। ठीक है ना, तो इसको अपन ने बजरंग से क्रॉस करा दिया है और अभी चेक नहीं करी है, मगर 90% ये लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, हिट पे नहीं आई होगी। हाँ, हिट पे नहीं आई है। और एक्चुअली ये बच्ची जब हमने खरीदी तो हमें इसका ब्लड लाइन का मालूम नहीं था। अच्छा। बच्ची सुंदर थी इसलिए खरीद ली, फिर बाद में जब हमने पता किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये उस एरिया के अंदर एक बहुत फेमस घोड़ा था, मंत्री जी वाला घोड़ा बोलते थे उसको। अच्छा। मंत्री जी वाला या झाड़ी वाला घोड़ा। अच्छा। वो घोड़ा था ग्रे कलर का, और उसका एक बच्चा था, इसके बाप को हमने नहीं देखा, मगर उस मंत्री जी वाले घोड़े की पोती है ये। पोती है। हाँ। और बहुत मतलब अबलक में सुंदर है, यानी क्या ना? सुंदर अबलक है। इसकी हाइट थोड़ी कम है। क्या हाइट मतलब 59 है, अभी 1 इंच हाइट और ये ले लेगी। अच्छा। क्या मगर ये क्या इसके ऊपर अपन ने बजरंग डाला ना, 65 इंच का है वो, तो इससे बच्चा बच्ची अपन मानते हैं 62-63 का आ जाएगा, आराम से पैदा हो जाएगा। और इस बच्ची का नाम है पारस मणि। पारस मणि। हाँ। तो वैसे काली में आती है सर, ये काली अबलक। काली अबलक, काली अबलक। अब काली अबलक में भी आने के बाद आप यहाँ देखो, इसके जो दादा था वो ग्रे कलर का था, दादा जो इसके बाप का जो बाप था वो ग्रे था। तो ये देखो यार हल्के से ब्लैक में भी व्हाइट ये आ गए। क्या तो श्या अबलक जैसे आप काली अबलक ही मानेंगे, मगर ये स्पोर्ट्स ये निशान है कि इसके पीछे कहीं ग्रेस रंग का भी इन्वॉल्वमेंट था, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन उसमें था। नहीं बाकी दिखने में सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? अच्छा इसका, और सुंदर बच्ची है। मतलब एक अगर आप हाइट का अगर मैटर नहीं करें तो कान से लगा के गर्दन पुट, अभी तो मेरे को लगता है इस पे खुर्रा बुर्रा कुछ नहीं हो रखा, तब इतनी सुंदर लग रही है। बाकी ये क्या अगर आप साफ सफाई मिला दुला के तो बहुत अच्छी बच्ची है। तुम ध्यान रखते हो इनका? इसका नाम है नटवर। नटवर। हाँ, इसने अपने यहाँ करीबन 5-7-8 साल काम किया था। अच्छा। फिर क्या अपने दोस्त है इब्राहिम भाई, इनके आदमी के अच्छे, तो मैंने कहा इसको रखवा लेते थे, क्या अपने यहाँ से सीखा हुआ है। हाँ, तो सब घोड़े का मालूम है कि टेक केयर कैसा करना है। तो हेल्थ वगैरह अच्छी कर रखी, खिलाई पिलाई बढ़िया है ना। बाकी नाम पारस मणि। पारस मणि नाम। और बाप का मंत्री जी वाले घोड़े की बच्ची है। मंत्री जी वाले घोड़े के बेटे की बेटी है। बेटे की बेटी। बेटी है। और इसकी माँ भी उसी एरिया में थी। मतलब ये बाद में हमें मालूम पड़ा, मगर मंत्री जी वाला घोड़ा अभी कुछ दिनों से हमें मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा घोड़ा था। तो उस लाइन की घोड़ी है ये। ओके। थोड़ा अच्छा, थोड़ा घुमा लो। अंदर।